हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। ये सीरीज़ कर रहे हैं हम क्लास 8 ज्योग्राफी की, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर्स को, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बेसिक लेवल से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी और ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है क्लास 8th ज्योग्राफी की। चलिए स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैप्टर का नाम है लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपको पता है इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिसोर्सेज पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देती है उसको हम रिसोर्स बोलते थे। और हमें पता था हमारे रिसोर्सेज 3 टाइप के होते थे बेसिकली, नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे जो है नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमने यहाँ पर देखा था ये कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, देखा था कुछ रिसोर्सेज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हमने रिसोर्सेज में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे, वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी था, इन सभी में से हमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। जैसे हमारा एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड, जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारे रिसोर्सेज हैं। हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको जो है सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है जो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर हम समझते हैं, एक एक स्टोरी से स्टार्ट किया गया है, जैसे लास्ट चैप्टर में भी स्टोरी थी। एक स्मॉल विलेज है, छोटा सा एक विलेज है अफ्रीका में, तंजानिया। तंजानिया में तंजानिया मम्बा, वहाँ पर एक मम्बा है जो सुबह जल्दी उठता है, जल्दी उठती है सॉरी, पानी भरने के लिए। और उसको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, और पानी भरने के बाद वो काफ़ी टाइम के बाद आती है। फिर वो अपनी मदर की हेल्प करती है और अपने भाइयों की भी हेल्प करती है, किसको, जो उनकी गोट्स हैं उसका ख्याल रखने के लिए। और उनकी जो पूरी फैमिली के पास एक लैंड है जो कि रॉकी है, जो पत्थर से भरी हुई है, और उनका एक वहाँ पर स्मॉल हट है। तो आप समझ रहे हो ना, मम्बा है वो सुबह सुबह उठती है पानी भरने के लिए, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। और वो अपनी मदर की हेल्प करती है और अपने भाइयों की हेल्प करती है, गोट्स को अपने घर के काम करने के लिए मदर की हेल्प करती है, और जो गोट्स हैं उनकी बकरियां हैं उनका ख्याल रखने के लिए अपने भाइयों की हेल्प करती है। और उनकी जो फैमिली के पास है एक रॉक की चट्टानी, ठीक है, वहाँ पर पत्थर हैं ज़मीन में, वो उनके पास एक लैंड है और एक छोटी सी झोपड़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो मम्बा के फादर हैं वो बहुत ही मुश्किल से कुछ मेज़ उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़मीन क्या है, चट्टान है, पानी की कमी है वहाँ पर, या कुछ बीन्स उगाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। और वो जो मतलब काफ़ी नहीं होता उनकी फैमिली को फीड करने के लिए, खाना पूरे साल का खाना जो है उनके लिए पूरा नहीं होता, कम पड़ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो ज़मीन क्या है, चट्टान भरी है, रॉकी है, पानी की कमी है, उपजाऊ नहीं है ज़मीन, तो जो फसल है वो कम होने वाली है। जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था साइंस के क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा साइंस का चैप्टर, आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। अब दूसरी यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, एक पीटर है जो कहाँ पे रहता है, इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन न्यूजीलैंड। क्या कहा है, उस रीजन में, न्यूजीलैंड के उस रीजन में जिसको दिल कहा जाता है, शीप रियरिंग रीजन, जहाँ पर शीप पाली जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर उसकी फैमिली एक वुल्फ प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उनकी। आपको पता है क्या कहा गया है, एक न्यूजीलैंड में पीटर रहता है जहाँ पर शीप रियरिंग रीजन है, शीप पाली जाती हैं, और उनकी जो फैमिली है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को चलाती है। और एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है, पीटर स्कूल जाता है, पीटर देखता है कि उनके अंकल कैसे टेक केयर कर रहे हैं उनके शीप को। और जो शीप यार्ड जो है एक वाइड ग्रेसी प्लेन में है, मतलब वहाँ पर एक ज़मीन है बिल्कुल प्लेन, चट्टान भरी नहीं है, वहाँ पर बहुत घास है, क्यों, वो उपजाऊ ज़मीन है, और पहाड़ भी है लेकिन कुछ दूरी पर है, ठीक है। और इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे, वो साइंटिफिक वे से मैनेज की गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। और पीटर्स की जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी उगाती है। एक तो तरफ आपने देखा मम्बा, मम्बा जो है उनके पास एक ज़मीन है चट्टान भरी, ठीक है, जिसमें जो है वो मुश्किल से अपना जो है अपने घर के लिए खाना उगा सकते हैं, ठीक है,
फसल उगा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेटर है जो शीप रियरिंग रीजन में रहता है, जिसकी ज़मीन भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, स्कूल भी जाता है वो। तो इस तरीके से ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो डिफर कर रही है, ठीक है। उसके पास रॉकी लैंड है और उसके पास ग्रैसी लैंड है, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर घास होता है। सोयल की वजह से हो रहा है, मिट्टी की वजह से हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और वाटर पानी की वजह से हो रहा है, पानी की कमी है। नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, वहाँ पर शीप है वहाँ पर नहीं है। और यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, पीटर यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी का। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर डिफर करते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह पर। अब आपको पता चला कि मम्बा और पीटर दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, किन किन चीज़ों का है? क्वालिटी ऑफ लैंड का, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और टेक्नोलॉजी के यूज़ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, लैंड का क्या नुकसान है, ये हम देखते हैं। अब इसमें डू यू नो में लिखा हुआ है 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ जो हमारी लैंड है उसका 30% पर रहती है। ऐसा क्यों है? उस 30% पे अच्छी ज़मीन है, ठीक है, अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, पानी की फैसिलिटी है, इसलिए रहती है। और जो 70% हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही मुश्किल से बहुत कम कम जगह पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लैंड को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब ये जो है कितनी होती है, पूरे अर्थ में 30% तो लैंड है, लगभग 30% लैंड है, और लगभग 70% क्या है, वाटर है, बाकी सब वाटर ही है। तो जो अर्थ सरफेस है, और ये जो स्मॉल परसेंटेज है, 30% भी है, ये सभी हैबिटेबल नहीं है। अभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का, मैंने आपको बताया है। अनइवन क्यों है? अनइवन इसलिए है क्योंकि लैंड और क्लाइमेट की वजह से, कहीं का वातावरण सही नहीं है रहने के लिए ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और कहीं पर लैंड सही नहीं है रहने के लिए। तो बहुत ही कम जगह है जहाँ पर अच्छी जगह, जहाँ पर वातावरण, क्लाइमेट भी सही है और लैंड भी सही है। तो इस वजह से कुछ कम जगह पर ही सभी, मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर रहती है। अब ये जो रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स है, खड़ी चट्टाने हैं जो माउंटेन्स की वजह से, और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ जो पानी से ससेप्टेबल होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, और वहाँ वो बहुत ही स्पेसली पॉपुलेटेड होते हैं। आप देख सकते हो, उनके नाम से सुनिए डर लगता है, घने जंगल में आप रह सकते हो, नहीं रह सकते, जानवर होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ में नहीं रह सकते आप, पानी होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर आप रह सकते हो, नहीं रह सकते, खड़ी चट्टानों में आप नहीं रह सकते। तो इसलिए ये सभी चीज़ें, ये सभी जो एरियाज़ हैं वो अनइनहैबिटेड हैं। लेकिन जो जहाँ पर प्लेन्स हैं, जो ज़मीन प्लेन है, जहाँ पर रिवर चल रही है, वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, वहाँ पर खाना मिलता है, इसलिए सभी वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होता है, वहाँ पर ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस एरियाज़ में, इसलिए, ठीक है। अब लैंड का यूज़ किस तरह किया जाता है, लैंड का यूज़ किस तरह किया जाता है? लैंड का यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ करते हैं लैंड का, फॉरेस्ट्री, जंगल, पेड़ उगाने के लिए, माइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमें कोल को माइन करना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनको माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग, हम अपना घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज़। अब हमें पता चला कि दो तरह की ज़मीनें थी, एक तो लैंड है सिर्फ 30% हमारे पास थी, अभी मैंने आपको बताया, और उस 30% का भी 30% जो है, 30% में डेंसली पॉपुलेटेड है। वो क्यों है? क्योंकि वो प्लेन और रिवर है और वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो 70% है वो या तो स्टीप स्लोप्स हैं, लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पर पानी की कमी है, या वो डेजर्ट एरियाज हैं, या वो घने जंगल हैं, या वो बर्फीली जगह हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर नहीं, क्लाइमेट नहीं अच्छा है और लैंड अच्छी नहीं है। अब लैंड का यूज़ ये मैंने आपको बताया है। अब जो लैंड है, लैंड का यूज़ है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है टोपोग्राफी, उनकी टोपोग्राफी पर, सोयल पर, सोयल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं वहाँ पर, जो सोयल है वो आपने देखा है, ज़मीन तो होती है, मिट्टी तो होती है, लेकिन वहाँ वो उपजाऊ नहीं होती क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अब ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं, इस जो जो ह्यूमन फैक्टर्स की पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी है, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब लैंड को भी हम दो तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट लैंड होती है, एक कम्युनिटी लैंड होती है। नाम ही बता रहा है, प्राइवेट मतलब जो किसी की है, ठीक है, और कम्युनिटी मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल की है, वो कॉमन यूज के लिए है। तो प्राइवेट लैंड क्या लिखा है यहाँ पर, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स,
प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की गई हो, जो किसी इंडिविजुअल की लैंड होती है। और कम्युनिटी लैंड कौन सी होती है? जो पूरी कम्युनिटी की होती है, कॉमन यूजेस के लिए होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स लगाना, नट्स लगाना, मेडिसिनल हर्ब्स लगाना। और इन कम्युनिटी लैंड्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। कॉमन का मतलब सबकी, प्रॉपर्टी का मतलब जमीन, ठीक है, रिसोर्स का मतलब जिससे हमें फायदा हो रहा है, जो हमारी जरूरत को कंप्लीट कर रही है, तो इसलिए हम इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पीपल और जो उनकी डिमांड्स है, आपको पता है बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। अगर आपको मम्मी पापा ने iPhone 6 दिलाया तो आप iPhone 7 के लिए बोलते हो, फिर 10 के लिए बोलते हो, फिर 11 के लिए बोलते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है। तो हमारी ज़रूरतें ये बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लैंड तो लिमिटेड है, लैंड तो नहीं बढ़ रही है, ना ही घट रही है। अब घट सकती है लेकिन बढ़ नहीं रही है। अब जो लैंड है वो भी डिफर करती है हर प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और जो पीपल हैं उन्होंने जो कॉमन लैंड्स है, हमारी ज़मीन है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स, उसको कमर्शियल एरियाज, हम आपको पता है जंगल कट रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बन रही है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर क्या बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से। और ये अर्बन एरियाज़ में हो रहा है और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया जा रहा है रूरल एरियाज़ में। अब इस वास्ट चेंजेस के, बड़े चेंजेस की वजह से जो लैंड का यूज़ पैटर्न है वो हमारे कल्चरल चेंजेस पे भी इफेक्ट करता है। जैसे लैंड का डिग्रेडेशन होना, डिग्रेड का मतलब होता है ख़त्म होना, लैंड का ख़त्म होना। अब आप कहोगे ये लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, हम बढ़ेंगे, लैंड स्लाइड, स्लाइड आपने देखी है, स्लाइड पे आप जाते हो तो उसमें फिसलते हैं, तो ऐसे लैंड भी स्लाइड करती है, ठीक है। सोइल इरोजन, सोइल मिट्टी का कटना, इरोज होना, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बनना, ठीक है, मिट्टी का, जमीन का, उपजाऊ जमीन का डेजर्ट बनना, ये बहुत ही मेजर थ्रेट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जिस तरीके से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का बढ़ना और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बढ़ना। एग्रीकल्चर इसलिए बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी अर्बन एरियाज़ में हो रही हैं क्योंकि काम की वजह से सभी जो रूरल 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 एरिया से जो सभी आदमी है वो अर्बन सिटी में जा रहे हैं, सब अर्बन प्लेस में जा रहे हैं और वहाँ पर काम की तलाश में ज़्यादा ज़्यादा घर बन रहे हैं, तो इसलिए आप देख सकते हो ये इम्बैलेंस हो रहा है। अब हम बात करते हैं, आप फोटो देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ग्रास है, फिर यहाँ पर झोपड़ी जो थी हट्स, इससे घर बने थर्ड में, फिर बहुत सारे घर बने। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ही लैंड का यूज़ हो गया है और ये कितना ट्रांसफॉर्म हो गई है फोर्थ फोटो में। जहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, पोल्यूशन हो रहा है, बसेस कार्स वगैरह चल रही हैं। अब हम इसको बचाएं कैसे? अब हमें पता चला लैंड ये है, इतने परसेंट डेंसली पॉपुलेटेड, 30% में रहते हैं, 70% में नहीं रहते, जंगल की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमें ये भी पता चला कि लैंड का यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन लैंड डिग्रेड कैसे हो रही है, क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हम उसको बचाएं कैसे? कंजर्व का मतलब होता है बचाना, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब आपको पता है पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जंगल को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स आपको पता है जो नेचर से मिलता है, हमने कल बात की थी, तो जंगल है वो जा रहा है, ठीक है, कट रहा है, इस रेट से, जिस रेट से डिग्रेड हो रही है लैंड, हमें चेक करना चाहिए, हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए। डीफोरेस्टेशन होता है पेड़ों का काटना, एफोरेस्टेशन को बोलते हैं हम पेड़ों लगाना, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, हमें रेगुलेटेड यूज़ करना चाहिए केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का। आपको पता है हमारे एग्रीकल्चर में, बाग्स में, फार्म में क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, हमारी लैंड भी ख़राब हो रही है और वो हार्मफुल भी है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही है, इस तरीके से हम लैंड को बचा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा तरीका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सोयल की। सोयल क्या मतलब क्या है? अब आप समझोगे लैंड और सोयल में डिफरेंस क्या है। ये तो थिन लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, जैसे ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं मिट्टी के, ठीक है, वो ग्रेन सब्सटेंस की जो अर्थ के सरफेस को जिन्होंने कवर किया है उसको हम सोयल बोलते हैं। और ये हमारी ज़मीन से लिंक्ड होती है, जो ज़मीन के ऊपर जो बारीक बारीक सब्सटेंस होते हैं, ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सोयल बोलते हैं, अपनी मिट्टी बोलते हैं। और सोयल किन किन चीज़ों से बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे वेस्ट है, प्लांट्स
प्लांट्स हैं, प्लांट्स के वेस्ट हैं, और भी बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उनसे, मिनरल से, और जो वेदर्ड रॉक्स होती हैं। वेदर्ड रॉक्स क्या होती हैं? वेदरिंग का मतलब क्या होता है? जो हवा की वजह से, जब टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, ठीक है, फ्रोस्ट की वजह से, प्लांट्स की वजह से, एनिमल्स की वजह से, पत्थरों का टूटना और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब जहाँ पर सही मिक्सचर होता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, वो ज़मीन, वो सोयल फर्टाइल होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैंड है, लैंड के ऊपर थिन लेयर है, थिन लेयर पे जो है ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं, किसके, हमारे जो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। कैसे टूट सकते हैं वो? टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर घटने बढ़ने से, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से, चलने से, प्लांट्स के चलने से, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब वहाँ पर ये तो हो गया, आपके छोटे छोटे पीसेस हैं, ग्रेन सब्सटेंस है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर्स भी होने चाहिए। अब जहाँ पर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का जो मिक्सचर है, जो रेशियो है, वो सही होता है, सही मिक्सचर होता है, वहाँ पर हमारी ज़मीन फर्टाइल होती है। अब आप देखते हो बहुत बहुत जगह पर जहाँ पर ग्रीनरी सब्सटेंस तो है लेकिन वहाँ पर ये नहीं होता, आपके पास और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो वहाँ पर वो ज़मीन, वो जो सॉयल होती है, वो मिट्टी होती है, वो फर्टाइल नहीं होती। अब यहाँ पर आप देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था लैंडस्लाइड्स क्या होती है। लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से एक बच्चा है वो स्लाइड करता है, ठीक है, हम वाटर पार्क में जाते हैं, ऐसे ही लैंड पूरी स्लाइड करती है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो रेड कलर से, यहाँ जो ज़मीन का टुकड़ा है वो स्लाइड करने के बाद नीचे आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं? लैंड स्लाइड्स को हम क्या बोलते हैं? पूरा मास मूवमेंट, एक एक मास है, एक वजन है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक, पत्थर का मास मूवमेंट या डेब्रिस का या अर्थ का, किसी एक स्लोप पर, किसी एक एंगल पर, किसी एक चढ़ाई पर मास मूवमेंट हो जाता है। और ये वहाँ पर, ये किसी वजह से होता है? या तो अर्थ क्वेक्स की वजह से, अर्थक्वेक या फ्लड्स की वजह से, या वोल्केनोज की वजह से, ये हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स की वजह से, वोल्केनो की वजह से, या ज़्यादा बारिश होने की वजह से। आप देखते हो कभी पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, और न्यूज़ में आप देखते हो, और सड़क वगैरह, हमारे जो रोड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि सड़क किस पे होती है? चट्टानों के पास होती है, चढ़ाई के पास होती है, स्लोप्स के पास होती है, तो लैंड टूटने के बाद वहीं पर आ जाती है। इसलिए अब ये जो फॉर्मेशन है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें दी गई हैं, केस स्टडी आया, आप पढ़ सकते हो, या पढ़ सकते हो। हम आते हैं नेक्स्ट अपने, यहाँ पर आप समझो सॉइल की प्रोफाइल क्या आती है। सबसे नीचे जो है हमारी पेरेंट रॉक होती है, जो सबसे मजबूत है, यहाँ पर देख सकते हो पत्थर। उसके बाद वेदर्ड रॉक होती है, जो वेदर्ड की वजह से इकट्ठी हुई है। उसके ऊपर हमारी सब सॉइल है, जो हमारी सॉइल है जिसमें सैंड भी है, सिलिट भी है, क्ले भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी में हमारे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होते हैं। तो वेदर्ड रॉक के ऊपर हमारे क्या होती हैं? ये सॉइल होते हैं जो वेदरिंग की वजह से टूटने के बाद मिक्स हो जाती हैं। और आपको अगर मैं बता दूँ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनाने के लिए, ठीक है। अगर वो सॉइल हवा की वजह से उड़ रही है या पानी के बहाव से जा रही है, आप देख सकते हो वो कई 100 सालों में बनी है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के? जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? उनके पेरेंट रॉक के नेचर पर, पेरेंट रॉक जो है सबसे नीचे, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये हम देखते हैं, ये प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं, क्योंकि सभी जगह की मिट्टी सेम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो वहाँ पर का क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, और जो वहाँ के पेरेंट रॉक है, वो अलग होती है। अब यहाँ पर देखो, सोयल है सबसे पहले, पेरेंट रॉक क्या बताती है? मिट्टी का कलर आपको पता है अलग अलग होता है, तो ये बताती है कलर, टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी कैसा है किसी भी सॉयल की, वो क्या बताएगी? पेरेंट रॉक बताएगी। नेक्स्ट है रिलीफ, रिलीफ क्या बताता है? एल्टीट्यूड और स्लोप, और बताता है डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, किस तरीके से सॉइल का इकट्ठा होना, ये बताता है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फ्लोरा फोना का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो ह्यूमस के रेट को बताते हैं, ठीक है। अब जब प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो वो किस में मिलते हैं? मिट्टी में, और वो भी उसके ह्यूमस को बढ़ाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 साइंस में पढ़ा है, तो साइंस की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियोस आप देख सकते हो। क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट हमारा किस किस चीज़ों को बताता है? टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस,
किस तरीके से वेदरिंग का रेट कैसे होगा, पत्थर कैसे टूटेंगे, किस कितनी जल्दी से टूटेंगे, कम से टूटेंगे, ये टेम्परेचर और वहाँ की रेनफॉल ही बताती है, और ह्यूमस का फॉर्मेशन होना, और टाइम बताता है कि कितनी थिकनेस हो रही है सोइल प्रोफाइल की। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे। नेक्स्ट, हमें पता है सोयल का डिग्रेडेशन और उनके कंजर्वेशन मीजर्स क्या है। हमें पता है सोयल का इरोजन, सोयल इरोजन, सोयल का इरोज होना, ठीक है, मतलब जब सोयल का कटना और उसका डिप्लीशन मेजर थ्रेट्स होते हैं सोयल के लिए। ठीक है, अब पेड़ कट चुके हैं और वहाँ पर सोयल क्या है, हवा से पानी से कट रही है, ठीक है, वो उड़ रही है, तो सोयल इरोजन उसको बोलते हैं। और इसमें ह्यूमंस और नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही सोयल का डिग्रेडेशन के लिए डिपेंड होते हैं। अब ये फैक्टर्स हैं, ये जो सोयल डिग्रेडेशन हो रहा है, या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, या रेन वॉश हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, फ्लड्स हो रहा है, इनसे बचाए तो जाए, ये मैंने आपको बता दिया, इन वजह से तो सोयल का हमारे पर नुकसान है, सोयल के ऊपर नुकसान हो रहा है, लेकिन इनको बचाया कैसे जाए। तो सबसे पहला जो सोयल को बचाने का तरीका है वो मल्चिंग, जो ग्राउंड होते हैं उसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं और उनमें ऑर्गेनिक मैटर लगाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बताया, प्लांट्स वेस्ट, एनिमल वेस्ट वगैरह, ताकि वो सोयल के मॉइस्चर को रिटेन कर सके। सोयल का जब मॉइस्चर होगा तो वो सोयल इरोजन नहीं होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है काउंटर बैरियर्स, पत्थर लगाए जाते हैं, ग्रास सोयल वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि वो बैरियर बैरियर की तरीके से, बैरियर आपने देखे हैं ना रोड पर जाते हुए, पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं ताकि आप आगे ना जा सको, तो इस तरीके से ही वहाँ पर जो सोयल है वो आगे ना जा सके, पानी को रोक सके, ये बैरियर्स बनाए जाते हैं। ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, ट्रेंचेस बनाए जाते हैं बैरियर्स के आगे, गड्ढे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि पानी वहाँ पर रुक सके। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉन्टोर फ्लोइंग भी हो रही है। नेक्स्ट है रॉक डैम, रॉक चट्टाने रखी जाती है ताकि जो पानी का फ्लो है वो कम हो सके, और पानी का कम फ्लो होगा तो मिट्टी के जो कटने की सोयल इरोजन है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या करता है, सोयल लॉस को कम करता है, बचाता है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग जो है स्टीप, जहाँ पर खड़ी चट्टाने होती हैं, अगर आपने पहाड़ वगैरह में घूमने गए हो तो इस तरीके की टेरेस फार्मिंग ये देखी होगी यहाँ पर। ये टेरेस फार्मिंग क्या में क्या होती है, जहाँ पर खड़ी चट्टाने होती हैं उसको हमें फ्लैट सरफेस में बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है जो पानी जो सोयल इरोजन है उसका कटना कम हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम ये जिस तरीके से सीड या स्टेयर्स होती है ना, इस तरीके से हम करते हैं इसमें, सो ये टेरेस फार्मिंग में। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग का इंटर का मतलब आपको पता है, दो या दो के बीच में, दो या दो ज़्यादा के बीच में, और क्रॉपिंग मतलब फसल, हम डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उगाते हैं अलग अलग रोज में, अलग अलग रोज में हम जो है डिफरेंट क्रॉप उगाते हैं डिफरेंट टाइम्स में, ताकि जो सोयल है वो रेन वॉश से बच जाए और उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह मेंटेन रहे। कॉन्टर प्लॉइंग, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रो प्लॉइंग में भी आपको बता रहा था, प्लॉइंग हम करते हैं अलग अलग पैरेलल कर, जो जो हिल पहाड़ी होती हैं उसमें हम नेचुरल बैरियर्स बनाते हैं वाटर के लिए, ताकि वो फ्लो कर सके डाउन द स्लोप। तो यहाँ पर देखो आप अलग अलग फसल्स हैं, ये ब्लू और येलो से दिखाई गई हैं। शेल्टर बेड्स होते हैं उस जगह पर जहाँ पर बहुत ही सूखा रीजन्स हैं, बहुत ही कोस्टल और ड्राई रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, जिसका जो एरिया होता है वो सभी बाउंड्री में ट्रीज लगा लेता है, ताकि उसको पता चले कि विंड मूवमेंट क्या है, और इस तरीके से सोयल जो है वहाँ पर इकट्ठा रहती है, सोयल कवर रहती है, सोयल का इरोजन नहीं होता। तो ये कुछ तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखें वाटर के बारे में, हमने पढ़ लिया है ठीक है सोयल के बारे में, लैंड के बारे में, और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर। और वाटर क्या है, वाइटल, बहुत ही ज़रूरी, रिन्यूएबल, जो कभी ख़त्म ना होने वाला। रिन्यूएबल के बारे में हमने कल पढ़ा था, नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्स है। अब लगभग 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, 3/4 जो अर्थ सरफेस का जो कवर्ड है वो पानी से कवर्ड है। ठीक है, अब ये क्यों है, इसीलिए ये क्यों है, ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है लगभग 70% वाटर है। अगर 70% वाटर है तो 3/4 तो कितना होता है, लगभग 75%। अब आप कहोगे सर अभी तो आप 70% बता रहे थे पानी होता है, अभी आप बता रहे हो 3/4 जो है होता है, तो मैं बता दूं आपको 3/4 पानी है, लेकिन जो लैंड है, लैंड के ऊपर भी तो रिवर्स वगैरह होती हैं, तो वो पानी ने उसको कवर किया गया है। ठीक है, जो हमारी अर्थ पे लगभग 3/4 पानी को कवर किया, पानी ने कवर किया है हमारी लैंड को भी, ठीक है, अर्थ सरफेस को कवर किया है पूरे पानी से, क्योंकि हमारी रिवर्स होती हैं ज़मीन के बीच में और लेक्स होती हैं, तो वो किस में जा रही हैं, वो किसके ऊपर हैं, हमारी लैंड के ऊपर ही तो हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लगभग 3/4 हमारा अर्थ सरफेस पानी से कवर्ड है, और इसीलिए हम अपने अर्थ को बोलते हैं वाटर प्लैनेट। ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा वाटर प्लैनेट, प्लैनेट का ऑप्शन, तो आपको जो है अर्थ लगाना है वहाँ पर। और जो लाइफ है
ओशंस में लगभग वो 3.5 बिलियंस ईयर्स पहले से इस है, वो ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट है। और अगर हम आज भी देखते हैं तो लगभग जो ओशंस जो है वो कवर करते हैं लगभग 2/3 सरफेस, अर्थ सरफेस का। ओशंस जो समुद्र हैं हमारे वो लगभग 66.66% कवर करते हैं अर्थ का सरफेस पे, और पूरा जो है वो सिर्फ 3/4 है जो कि अर्थ सरफेस को कवर करता है पानी हमारा। इस तरीके से हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल लाइफ मिलते हैं, और ओशन वो वाटर लेकिन सैलाइन है, उसमें नमक है, और वो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कितना पानी है हमारे पास, फिर भी उसका 2.7% ही फ्रेश वाटर है, लगभग 2.7 ही%। और लगभग जो 70% वाटर है वो आइस शीट्स, ग्लेशियर्स एंड एंटार्क्टिका, आइस शीट्स की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में है। ठीक है, वो पानी तो सिर्फ वहाँ पर जमा हुआ है, और इस उनकी लोकेशन वहाँ पर हम नहीं जा सकते, वो इनएक्सेसिबल है। सिर्फ इसलिए अगर हम कहें सिर्फ हमारे पास 1% ही फ्रेश वाटर है जो कि हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है। इतना पानी है हमारे पास, उसका सिर्फ 1% ही हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? ओशंस में सैलाइन वाटर है, और जो हमारे पास बाकी जो 2.7% है उसका पानी भी वहाँ पर बर्फ़ की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, अंटार्कटिका में जमा हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें जो ग्राउंड वाटर जो 1% है वो हमें कैसे मिलता है, रिवर्स में, रिवर्स में जो फ्लो कर रहा है, लेक्स में जो फ्लो कर रहा है, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन में है, या जो वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में एटमोसफेयर में जाता है, फिर प्रेसिपिटेट छुटता है, बारिश होती है। और इसीलिए जो फ्रेश वाटर है वो मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है। पानी तो है हमारे पास लेकिन साफ पानी नहीं है। क्या जैसा कि कल मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन अच्छा पानी रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि वो तो खत्म हो रहा है। अच्छा पानी को हम पोल्यूट करते जा रहे हैं। अब ना ही पानी को हम ज़्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, इसका टोटल वॉल्यूम तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन जो उसकी अबंडेंस है ठीक है वो वेरी करती है, क्योंकि कांस्टेंट मोशन हो रहा है। पहले वाटर इवापोरेट करता है, बारिश होती है, फिर से ओशंस में जाता है, फिर इवापोरेट करता है, इस तरीके से एक साइकिल चल रही ही है, और इसी को हम बोलते हैं, इसको आपको सबको पता है, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब ह्यूमंस जो है हमारा मेन काम क्या है, हमें पानी पीना है या नहाना है, यही हमारा मेन काम होता है। लेकिन अगर आप इस एक्टिविटी में देखो, ड्रिंकिंग में लगभग एक एवरेज जो अर्बन इंडियन है वो 3 लीटर यूज़ करता है ड्रिंकिंग में, और वॉशिंग में कितना यूज़ करता है, वॉशिंग बाथिंग में कितना यूज़ करता है, 20 लीटर्स। लेकिन टोटल जो यूज़ कर रहा है वो 150 लीटर्स यूज़ कर रहा है, तो लगभग अगर हम 30 लीटर्स भी मान लें तो 120 लीटर्स हमारा जो है वेस्ट जा रहा है। ठीक है, अगर हम 30 लीटर्स भी मान लें और भी थोड़ा सा यूज़ एक्स्ट्रा मान लें तो 120 लीटर्स हम एक एवरेज इंडियन एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है। अब वाटर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, रिजर्वर्स के लिए है, उसका वो अलग यूसेज हम बताते हैं। उसका पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और जो लेवल है हमारे जीने का वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो साफ पानी का शॉर्टेज हो रही है। तो इसीलिए सेव वाटर के लिए, सेव वाटर, आप पानी को बचाइए और देखिए हमारे पास फ्रेश वाटर की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, और अभी से ही पानी कितना महंगा बिक रहा है, साफ पानी की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। अब पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, बहुत जगह पर स्कैर्सिटी है। अगर आपके एरिया में पानी है तो आप बहुत खुशनसीब हो, ठीक है, आप इजीली पानी जो है ले सकते हो। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं जिनको किलोमीटर चलना पड़ता है, कि उनको प्यासा सोना पड़ता है, तो पानी की वजह, साफ पानी की वजह से यहाँ पर, जैसे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर स्कर्सिटी है पानी की, बहुत कमी है। और वो एरिया कौन सा है, ज़्यादातर अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, जो वेस्टर्न यूएसए है उसके पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, कुछ साउथ अमेरिका के पार्ट में, और पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये जो है शॉर्टेज, वहाँ पर शॉर्टेज है साफ पानी की सप्लाई की। और कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में हैं, वो तो आप देख सकते हैं वहाँ पर सूखा पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, पर फसलें नहीं होते पानी की वजह से, भूख की वजह से लोग, बहुत सारे लोग मरते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बचाए कैसे जाए। अब हमें यहाँ पर आप फोटो में देखो, ये जो यमुना है वो पोल्यूटेड हो रही है क्योंकि जो गंदा पानी, सीवेज, गंदा पानी निकल रहा है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, गार्बेज कूड़ा डाला जाता है। अब हमें साफ पानी के लिए मेजर प्रॉब्लम है, और उसको बचाने के लिए हमारे स्टेप्स होने चाहिए। अब आपको पता है पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें फ्रेश वाटर चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो अनट्रीटेड पार्शली
ट्रीटेड सीवेज होता है, नालों में से बांध जाता है, उसको रिवर्स वगैरह में नहीं डालना चाहिए, ठीक है? उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको पहले साफ करना चाहिए, तभी वहाँ पर डालना चाहिए। जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, वो जो केमिकल्स निकल रहे हैं, वो सीधे किस में जाते हैं? रिवर्स में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, फिर हम उनको पीते हैं, ठीक है? वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये जो वाटर है वो पोल्यूट होते हैं नाइट्रेट से, मेटल से, पेस्टिसाइड से, आप देख सकते हैं। और इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ज़्यादातर, मतलब वो ना ख़त्म होने वाले केमिकल्स हैं, और वो ह्यूमन बॉडीज़ में आते हैं पानी से, जब हम उनको पीते हैं, और वो हमारी बॉडी को ख़राब कर देते हैं, ठीक है? हम बीमार करते हैं, और वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उनको एफ्लुएंट्स को ट्रीट कर लें। हम उनको वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले उनको अगर ट्रीट कर दें, उनके जो नाइट्रेट्स हैं, मेटल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, उनको ट्रीट कर दें, उनको ख़त्म कर दें, तो कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है? और फॉरेस्ट और वेजिटेशंस जो है कवर करते हैं स्लो स्लो सरफेस रन ऑफ, ठीक है? और वो रिप्लेनिश करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, और वाटर हार्वेस्टिंग में वाटर को हार्वेस्ट करना, उसको इकट्ठा करना दूसरा मेथड है, सेव सरफेस रन ऑफ। और जो कैनल्स बनाई जाती हैं फील्ड को इरिगेट करने के लिए, पानी देने के लिए, उसको भी हमें मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, ताकि वाटर का लॉस ना हो। स्प्रिंकलर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, ये हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से हम इरिगेट करते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। और जहाँ पर ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पर हाई रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, ज़्यादा पानी का इवापोरेट होता है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन यूज़ होता है, वहाँ पर ड्रिप से पानी देते हैं या ट्रिकल इरिगेशन जिसको बोलते हैं। और जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है, इस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं इस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के बाद, ठीक है? नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये नेचुरल वेजिटेशन का मतलब और वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है, यहाँ पर देखते हैं। कुछ स्कूल चिल्ड्रन थे जो कि एग्जीबिशन में जाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, वहाँ पर आर्टिकल्स देखते हैं एग्जीबिशन में, जो अलग अलग पार्ट से, कंट्री के अलग अलग पार्ट से लाए गए हैं। मोना एक बैग उठाती है और खुशी से चिल्लाती है कि कितना खूबसूरत हैंडबैग है, और ये उसके टीचर बताती है, यस ये खूबसूरत है क्योंकि ये बना है जूट से बना है, और आपने क्या ये बास्केट्स देखी, लैम्प शेड्स देखी, चेयर्स देखी, ये किससे बने हैं, कैंस और बैम्बू से। अगर हम देखते हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमन रीजन्स में बैम्बू जो है बहुत ही प्लेंटी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, ठीक है, उगाए जाते हैं। और जैसी एक्साइटेड थी क्योंकि उसने सिल्क स्कार्फ देखा था, और टीचर बताती है सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, जिनको मलबेरी ट्रीज पर, ठीक है, ब्रेड किया जाता है, ठीक है? यहाँ पर वो से मलबेरी ट्रीज पर होते हैं सिल्क वॉर्म, आप फोटो में देख सकते हैं। और अब समझ में आया सभी बच्चों को कि जो प्लांट्स हैं हमारे लिए वो कितने डे टू डे लाइफ में जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें कितने काम आते हैं। अब जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर के, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। अब आप देखो जो हमारा पूरा नेचुरल वेजिटेशंस है, जो हमारे जंगल हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सभी चीज़ें हैं, और हमारे जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, वो किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर के बीच में, उनका एक कॉन्टैक्ट के बीच में, जिसको बोलते हैं बायोस्फेयर। बायो का मतलब BIO, फिर से मैंने आपको बताया था, बायो का मतलब लाइफ से होता है, स्फेयर मतलब एक रहने की जगह, तो वो एक जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए रहने की जगह है। और बायोस्फेयर में भी अगर हम बात करें, जो सभी लिविंग बींग्स हैं बायोस्फेयर के अंदर, लिविंग बींग्स आते हैं और वो दूसरे नॉन लिविंग बींग्स से या दूसरे लिविंग बींग्स से रिलेटेड होते हैं, और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो बायोस्फेयर क्या हुआ, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर में हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। और बायोस्फेयर में भी लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ऐसे प्लांट्स एनिमल्स हैं, एनिमल्स प्लांट्स हैं, इस तरीके से हम सभी इंटर रिलेटेड होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं हमें जीने के लिए, हमें हमारी प्रोटेक्ट सोयल को प्रोटेक्ट करते हैं, और शेल्टर बेल्ट्स की तरीके से एक्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था शेल्टर बेल्ट्स की तरीके से एक्ट करते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, देखिए कितने सारे यूज़ हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पेंटाइन देते हैं, ऑयल गम, और हमें मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं, और हमें पेपर भी देते हैं जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो, और इन्यूमरेबल यूजेस हैं जिनको, अनगिनत यूजेस हैं, ठीक है, प्लांट्स के, और आप उनमें और भी बहुत सारे यूजेस आप लिख सकते हो।
वाइल्ड लाइफ अगर हम बात करें, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं, वूल्स देते हैं, इंसेक्ट जैसे बीज हैं वो हमें शहद देती है, पोलिनेशन में हेल्प करती है फ्लावर्स की, और उनका इंपॉर्टेंट रोल भी होता है एक डीकम्पोजर्स की तरह। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो ज़मीन जो हमारी अर्थ से वेस्ट को ख़त्म करते हैं, ऐसे बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाती है और वो डीकम्पोजर्स की तरीके से हैं वो ख़त्म करते हैं। वल्चर जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मरे हुए जानवर्स को खाते हैं और वो उनको क्लीन कर देते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। अगर वो वल्चर्स ना हो तो वो सड़ते रहें, बदबू हो जाए, पोल्यूशन हो जाए, बीमारियां हो जाए, तो लेकिन वल्चर्स क्या करते हैं, मरे हुए जानवर को खाते हैं। इस तरीके से बैलेंस बना रहता है इकोसिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ हुआ नेचुरल वेजिटेशन में, आपको पता है जो वेजिटेशन का ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर, ठीक है, और जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ जो होते हैं, जहाँ पर मेजर वेजिटेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, जंगल्स होते हैं, बड़े बड़े जंगल्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रास होते हैं, घास होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, तुंद्रा होते हैं। लेकिन ये होते कहाँ पर हैं, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ह्यूज ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल वहीं पर होते हैं जहाँ पर हमारे पास वाटर की सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई है, और जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज करता है, मॉइस्चर कम होता है, साइज़ है ट्रीज़ का वो भी कम होता है और उनके डेंसिटी भी कम होते हैं। जहाँ पर घने जंगल होते हैं और ऊंचे ऊंचे जंगल होते हैं, तो आप समझ लो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, ये ट्रिक है, ठीक है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर ट्रीज़ का साइज़ कम है और उनकी डेंसिटी बहुत दूर दूर तक पेड़ बहुत दूर दूर पेड़ हैं, तो डेंसिटी कम है, तो वहाँ पर पानी की कमी है, तो शॉर्ट स्टंटेड जो ट्रीज़ होते हैं और जो ग्रासेस होते हैं वो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल हो रही होती है, और जहाँ पर थ्रोनी श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं तो वो लो रेनफॉल एरिया में, जो जैसे डेजर्ट वगैरह में, और उस एरियाज में जो पेड़ों की रूट्स होती हैं वो बहुत ही नीचे ज़मीन तक होती हैं, बहुत डीप होती है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स जो हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर से तो पानी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो नीचे ज़मीन से उनकी रूट्स इसलिए जाती हैं, ठीक है। अब आपको पता चला बहुत सारे ऐसे पीपल हैं वर्ल्ड में जो 2 सेंचुरीज पहले अगर हम बात करते हैं तो नहीं थे, ठीक है, और जो खाने की अगर हम बात करते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट जो हैं क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, इसके बारे में हमने बात की थी, और जो फॉरेस्ट कवर है हमारे पूरे वर्ल्ड में उसको मैनेज किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, इसीलिए हमें इस वैल्यूबल रिसोर्स को बचाना चाहिए। कंजर्वेशन कैसे करते हैं, फॉरेस्ट हमारी संपत्ति है, वेल्थ है, प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, और वो एक दूसरे के साथ क्या बताते हैं, इकोसिस्टम, जैसे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उस तरीके से हम हमारे पास जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो ख़त्म हो रहे हैं, और मैनी स्पीसीज हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो कि अब ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो, जैसे हमने बात की थी अभी, डिफॉरेस्टेशन, सोयल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, इन चीज़ों की वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है इन रिसोर्सेज का, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का, और एनिमल्स को शिकार किया जाता है, उनका इलीगल ट्रेड्स किया जाता है, उनके स्किन्स का, नेल्स का, टीथ्स का, उनके हॉर्न्स का या फर्स उनके फैदर्स का, और कुछ एनिमल्स ऐसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल और रिनोसोरस, और स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच पीकॉक, और इनको तो कंजर्व भी किया जाता है अवेयरनेस के लिए, ठीक है, इनको एक बचाया भी जाता है, हमारे नेशनल पार्क्स हैं, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, ताकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और कंजर्वेशंस ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स भी ज़रूरी हैं, ताकि ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारे प्रेशर रिसोर्स हैं, और बैलेंस बना होना चाहिए एनवायरनमेंट में, क्योंकि अगर कुछ स्पीसीज डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पूरी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको पता है वल्चर के ना होने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर रहता है कंप्लीट। आप इस चैप्टर में थोड़ा सा रह गया, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट जो बनाई गई है उसमें कुछ स्पीसीज हैं एनिमल्स और बर्ड्स जहाँ पर उनका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड होता है, और उस जगह पर प्लांट्स को कंजर्व बचाया जाता है, एनिमल्स को बचाया जाता है, ठीक है। तो ये है, ये कुछ प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए गए हैं, ये साइट्स से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा,
ये चैप्टर हैं, एक्सरसाइज हैं, आप इसको देख सकते हो। सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताएं क्या इसमें वीडियो में अच्छा हो सकता है, क्या कमी है। ठीक है, थैंक यू।